तो चलो इनको लेके चलता हूँ मैं बाइक पे। तो गाइस अभी आरती का चल रहा है रेस्टोरेंट, तो फाइनली ये बहुत टाइम बाद आए हैं। तो गाइस पहुँच चुके हैं हम और यहाँ पे है प्रोग्राम। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, कैसे हो आप सब? मुझे लगता है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे मिलाते हैं और सबसे कराते हैं राम राम। चारों से भी करो राम राम। मेरा फोन गिरा दिया इसने, देख सकते हो आप। वाह, राम 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 सभी को। अभी सफाई कर लेते हैं हम। तो ये सफाई कर रही है अभी, तो वैसे भी लेट हो चुके हैं। लेट हो चुके हैं तो अभी सफाई करने देते हैं इसको। इनकी वजह से ये जल्दी नहीं उठते हमारे। अच्छा, तो गाइस मेरी जैसे लेट हो गए, कोई बात नहीं। इधर लहसुन छिला जा रहा है मम्मी पापा से। राम राम, राम राम जी, राम राम, राम राम जी, राम राम, सबको राम राम, गुड्डू राम राम, इंद्रिया चवाई सब्जी जी बढ़ावा, सबको राम राम, गुड्डू। लाइक करे, कमेंट करे, वेरी गुड। और ये इधर लगा रही है झाड़ू, देखो कितना कचरा, कितना कचरा निकला है अपने मकान से, इतना कचरा कर दिया हमने। गाइस ये दीदी आए थे आज, कहाँ से आए हो दीदी आप? कवास से। ये कवास गांव से आए हैं और ये देख लो भैया, इन्होंने लहंगा लिया है ये वाला, सेम कौन सा कलर बोलते हैं इसे बताओ आप। तो ये दीदी बता देंगे, जाने मजे ले रहे हैं। लेकिन बहुत मस्त कलर है भाई, इन्होंने ये लहंगा लिया है 5 मीटर का, और ब्लाउज ले रहे हैं। अब इसमें से ब्लाउज वगैरह जो भी है लहंगे से बन जाता है ब्लाउज, लहंगे से निकाल सकते हैं। हाँ वही फिर निकाल लेंगे इनके हिसाब से। ओ इधर सिद्ध भैया आए हमारे, ये क्या पैकिंग कर रहे हैं, थोड़ी काम से के पैकिंग, थोड़ा काम कर रहे हैं, मीशो के पैक कर रहे हैं। ये बुलंद के नए ब्लाउज आए, तो ये ब्लाउज आए, इनका ऐड नहीं किया लेकिन इस वजह से हम आप लोगों को ब्लॉग में भी कम दिखाई, इनको इनका ऐड करेंगे पहले फिर दिखाएंगे आपको, उसके बाद तुरंत सेल, तुरंत सेल कर देंगे। तो गाइस इसका लहंगा सिल चुका है और सोनी आ गई आज, तो ब्लाउज तो मत ही मांगना क्योंकि ये ब्लाउज मिलेगा नहीं, ये सर्दियों का ही था तो अभी खत्म हो गया है। तो ये वाला ले सकते हो आप लहंगा, ये वाला लहंगा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो ये सोनिया के लिए इसीलिए है, तो इसने लिए थे अपनी शॉप से, मस्त लग रहा है लहंगा, तो जिसको चाहिए वो ऑर्डर करो। तभी मैं जा रहा हूँ पार्सल लगाने, तो इसी बीच ये लड़का आ गया है मिस्टर धनराज, बहुत दिनों बाद। तो आज ये बर्थडे में है देवली माहौल में है ये भी, तो आज है अंजना जी के लड़के का बर्थडे, तो इधर ही माहौल, तो वहीं चलेंगे शाम को, माहौल बनेगा ला मार्केट तलंग। तो लड्डू उठ गई अभी और हम पार्सल लगा के आ गए, तो इससे मिलते हैं। अभी ये सो रही थी। और मिस्टर धनराज क्या हाल है? बस भाई बढ़िया बढ़िया, देखो छोरा तैयार व्यार हो क्या है माहौल में। माहौल में आज बर्थडे है। और ये करिए कॉल पे बात, और ये बना रही है गुड्डू की चोटी, और आज सोनिया का गाना आ चुका है, क्या है, कालू की बींदनी, कालू की बींदनी है गाइस ये, लेकिन अभी तो दोड़ों की लगती है, रियलिटी में तो दोड़ों की बींदनी है। तो ये भी गाना बनाएगा बहुत जल्दी कालू की बींदनी पे, है कालू की बींदनी पे रील, तो लिया जाओ जल्दी से, रील बनाएंगे हम कालू की बींदनी पे, आज बने। इसके देखो बाल चिढ़ रहे हैं। तो चलो इनको लेके चलता हूँ मैं बाइक पे, हो कहाँ पे सेल उनमें, और मार्केट कुछ लेना है इनको, तो बिठाते इनको चले। और ये दादी से राम राम करो, तो ये कपड़े सुखा रहे हैं अभी, और ये बाय बाय करने के लिए बैठे हैं इधर। चलो ये माने रहे हैं हमारे एचएफ डिलेक्स में गाइस, चलते हैं अभी। तो अभी हम आए हैं यहाँ से सिलाई से लहंगा लेने, तो ये देखो कैश में हिसाब हो रहा है दीदी का, दीदी ने कमा लिया पूरे 2270 रुपए। ओ आंटी जी राम राम, आंटी जी राम राम, आंटी जी को भी राम राम करवा रहे हमारे ब्लॉग में। सूट तो नहीं सिले आपके, ये भी आई रेवा दो दे तो डी ने मारना पकड़ जेला अपने डी बाण। तो गाइस हम पिको पे डाले हैं लहंगे वगैरह इनके, तो बस यहाँ से फ्री होगी फिर चलेंगे उधर आगे। मेरे वो लहंगा वहंगा लगा के देख रही है। तो पीहू और कुछ आई है आज हमारे घर जयपुर से दिखा के डॉक्टर को, और अभी ये देखो नमकीन और रोटी खा रहे हैं, बाहर फोन आया तो ये आया है, ये गए थे घूमने राहुल का ही है, तो इसकी स्माइल की दुनिया फैन है। अरे यार हाय,
ये लड्डू खेल रही है और वो लोग गए हैं मार्केट, तो अभी मार्केट से आए नहीं है तो उनको लेने जाएंगे हम। सपना दीदी आ चुकी है तो उनको भी लेके आएंगे। हेलो तो गाइस अभी आरती का चल रहा है हेयर स्ट्रेट। गाइस हम आए अभी पार्लर में और क्लीन अप तो हो चुका है और आईब्रो भी हो गई है और अब करवा रहे हैं स्ट्रेट। तो इसके फेस पे ग्लो आ चुका है, देख सकते हो। नहीं आया वो तो लेने आ गया, फिल्टर लगा के दिखा दे और ग्लो और मेरा चल रहा है अभी क्लीन अप। सपना दीदी और सपना दीदी का हेयर वॉश जान दो, कोई शादी वादी में जा रहे हो ना, ज्यादा ही हो रहा है ना समझो। ठीक है अभी मैं तो हो चुकी हूँ कंप्लीट और अभी सोनिया वापस बैठ चुकी है। ये देखो इसके हेयर वॉश हो गया है और अभी करेंगे इसके ब्लीच फेशियल, पता नहीं स्क्रब जो भी करेंगे। और सपना दी का भी हेयर वॉश होके क्लीन हो गया है, अब इसके भी कर रहे हैं ड्रायर से। तो राहुल और हम दोनों जा रहे हैं अभी उनको लेने पार्लर से। गाइस बहुत ही ज्यादा ज्यादा गर्मी होने की वजह से यहाँ पे बिल्कुल एसी फुल पे चला दिया हमने और इसको दरवाजे को बंद कर देते हैं, इसका पैर तोड़ देता है। चलते हैं उधर बैठते हैं, उनको लेके आते हैं, उनको लेके आ के फिर चलते हैं। इनको इसको घुमा रहा भी थी गाड़ी को, धुलाई वगैरह होके अभी बिल्कुल क्लीन है गाड़ी। तो फाइनली ये बहुत टाइम बाद आए हैं हम लोगों को, यहाँ पे आधा एक घंटा हो चुका है और ये वापस से पता नहीं क्या लेने चले गए थे। और देख लो सपना दीदी आ गए हैं, पता ही नहीं क्या ही ले रहे थे। इधर का मार्केट है ये जो, पता नहीं यहाँ से क्या शॉपिंग की इन्होंने। तो सीट को बैक करते हैं और चलते हैं। तो चल रहे हैं गाइस अभी कुछ खाने पीने और सिद्धू पाजी के गाने चल रहे हैं बहुत मस्त। गाइस अभी हम पहुंच गए हैं पानी पूरी खाने के लिए, तो इन लोगों को पानी पूरी खिलाएंगे अभी। सपना दी की इच्छा बहुत जोरदार और पानी पूरी खाने के लिए इसलिए इनको लेके आऊंगा। इधर आरू बैठी हुई है, नहीं लड्डू नहीं रो रही, लड्डू खेल रही है। आशा दीदी घर पे ही है। तो गाइस जब निकल रहे हैं हम घर की ओर। हाँ सोनू भैया, ये सोनू भैया मिल गए रास्ते में। और सुनाओ हाल चाल, कटी घूम रहे जो थे पानी पूरी खा लियो, चरकी लगती है बोल रही भैया चला करे। तो चलते हैं, ये तो बैठ चुके हैं खा के। कैसी लगी पानी पूरी? मजा आ गया ना। तो गाइस देखो अभी आरू क्या कर रही है। ओ हेलो आरू, क्या कर रहे हो? टोपी खा रही है, टोपी तो मम्मा के बाल सुखा रही है, देखना हेयर ड्रायर से। तो अब देखते हैं देख कितनी देर में सूखते हैं ये। तो गाइस देखो सोनिया ने जो आइटम लिए ना हमारी शॉप से, मतलब तो एक ये लहंगा है। हाँ कौन कौन से लहंगे लिए इसने? दो लहंगे, एक तो ये वाला ग्रीन वाला और एक ये वाला, तो ये पिंक वाला सिल भी गए हैं। अब बस देखो इसका ब्लाउज कितना मस्त बना है, इसके नेट वाला फुल मॉल में भाई सोनिया। तो गाइस सब तैयार हो चुके हैं और इधर का क्या ही माहौल है, देखें आरू तैयार हो रही है। हेलो आरू, तो जानबूझ के मैं ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि इसके साथ हो चुकी है बहुत भयंकर चोट। इधर सपना दी तैयार हो रही है, ये एक घंटे से पता नहीं क्या कर रही है इधर। और सपना दी तैयार होने में कम से कम भी दो तीन घंटे चाहिए सपना दी को। और राहुल घूम गया है गाड़ी लेके इसकी, तो ये सोच रहा है गाड़ी लेके गया कहाँ है, वो कुछ काम गया होगा, मुझे पता है क्या काम गया है वो, मेरे को पता है वो क्या काम गया है। और इधर सोनिया तैयार होके बैठी है, लेकिन गाइस ये वाला ब्लाउज मांगना मत क्योंकि ये ब्लाउज है ही नहीं अपने पास, अभी अगले साल मिलेगा आप लोगों को ये जो आप पहन रखे हो, तो नेक्स्ट ईयर मिलेगा तो आप लोग देख लेना। तो चलो आज प्रोग्राम में चलते हैं और वहाँ का दृश्य दिखाते हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी निकल रहे हैं हम, तो ये लोग तो निकल रहे हैं थार में, तो आप आगे इधर से नहीं दिखेंगे कोई भी। तो मैं कुसी और आरुद जा रहे हैं बाइक में, चलो चार रहे बंद कर फाटक ने। तो गाइस हाँ मैं दे रहे हैं, तो गाइस पहुंच चुके हैं हम और यहाँ पे है प्रोग्राम, तो देख सकते हो इधर। तो इधर मोनू भैया, हेलो मोनू भैया कैसे हो, कैसे हो? बस मस्त है, बस मस्त है। डेकोरेशन वगैरह बहुत अच्छा किया है और बर्थडे वाला, बर्थडे बॉय पता नहीं कहाँ है, इधर अंजना जी है इधर। तो अभी बर्थडे बर्थडे का सॉन्ग चल रहा है और यहाँ पे भी केक कटेगा थोड़ी देर। तो अभी ये देखो एक और केक आ चुका है और दो केक आ गए भी, और देखते हैं कितने केक कट करेंगे। तो भाई साहब बहुत हैवी केक है, बहुत बड़े बड़े ये खाने वाले हैं ये लोग जो देख रहे हैं इधर से आराम से, इनको भूख लग रही है सबको। कानू को देखो, हमारे कानू को ये केक का इंतजार, केक का शौकीन है ये कानू, इसलिए केक के पीछे खड़ा ही है।
ये इधर अलग ही व्लॉगिंग कर रहा है। तो गाइस स्नोस पे आ चुका है और यहाँ पे बर्थडे माहौल बनेगा, लेकिन वहाँ पे भी मोमबत्ती जल रही है तो वहाँ नहीं कर सकते क्योंकि इससे यह है कि आग भी लग जाती है इस वजह से। तो इधर मोनू भी जुगाड़ करने में लगे पड़े हैं, इधर पटाखे फोड़ेंगे भी, अब बर्थडे फुल माहौल में मना रहे हैं। तो गाइस ये देखो स्नो स्प्रे कर दिया, ये इसको मना करते करते भी उधर आग लगाएगा भी। तो चलो बर्थडे का माहौल गलत जगह कर दिया। अंजना जी के ऊपर हो गया इस पूरा स्प्रे। मोनू भैया ये आमने सामने केक खिला रहे हैं, ये बच्चे बच्चे इनका अलग ही प्यार है। इधर आ जाओ बेटा, अब आ जाओ, अभी थोड़ी देर में खिलाएंगे मम्मी को। केक वगैरह खिलाए जा रहे हैं और इधर पटाखे फोड़े जिसका धुआं हो रहा पूरे चारों। गाइस अभी हम जा रहे हैं, हमारी बारी आ चुकी है, तो ले राहुल को फोन पकड़ा के जा रहा हूँ। तो गाइस मामा और दीदी खड़े क्या ही बोलेंगे, अभी इनको जाने देते हैं फिर अपन चलेंगे। तो अभी सोनिया खिला रही है केक, तो भी जा रहे हैं हम, मम्मी आरू और मैं। तो ये मामा जी तो देखते हैं, देखिए मामा कब जाएंगे, हमारा नंबर नहीं आ रहा है, दो बार गए, चलो दूसरी बार। तो गाइस अब गई है मामा, अब गई है मामा मामी, इंग्लिश थोड़ी मम्मी ने भी केक खिला दिया और गुड्डू अलग ही मजे ले रही है इधर। डांस वांस करके फ्री हो गए हम और अब जा रहे हैं, हम निकल रहे हैं घर की ओर। सोनिया और तो निकल चुकी है पहले ही और अब हम निकलेंगे, डांस वगैरह सब कुछ हो गया है। गुड्डू और मम्मी को पहले ही मैं छोड़ के आ चुका हूँ घर पे, और भी यहाँ पे फोटो वोटो क्लिक करने के लिए बोल रहे हैं, मम्मी भी यहाँ तो फोटो वोटो खिंचवाते हैं फिर चलेंगे। तो यहाँ पे थंबनेल वगैरह खींचा जा रहा है, मोनू भैया की फोटो क्लिक करूँगा मैं यहाँ से। तो यहाँ फोटो वोटो ले लिए, अब जा रहे हैं हम घर। चले ये भी खूब डांस किया, इसकी रील देख लेना मिस्टर धनराज जीरो से। तो अभी पहुंच चुके हैं हम घर और गुड्डू की तबीयत खराब हो गई थी तो उसको दवाई दे दी हमने, और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। खूब मस्ती कर ली लेकिन थक भी गए हैं, तो अब रेस्ट करेंगे, व्लॉग भी एडिट करके अभी डालना है, कल कहीं बाहर जाना है इस वजह से। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये लोग हंस रहे हैं पता नहीं क्यों ही, देख लो ये भी हंस रही है, ये हंस रहा है, इधर ये सपना दी हंस रही है, और पंखे चल चुके हैं। तो अभी क्या है, गर्मियों के दिन आने वाले बहुत जल्दी। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सपोर्ट करते रहो ऐसे ही।